sorry, before the next question, I must say, these are begging for my attention. Daler Baji, you're a legend. You're back on the scene right now. Zordar taaliya Daler Mehndi ke liye, please. But, saath saath, please, ek photo inke juto ke saath meri le lijiye. Mere dost hai media wale. Dude, look at that bling. I love it. Could I please ask you a question? Because I would like to. All right. Could I please pass the mic to Daler Saab? Thank you. आपकी आवाज सुनकर सच कहूं आंसू आ गए. आपको आज के इस परफॉर्मेंस के बाद अपनी ऑडियंस से, जो आपके फैंस हैं, अपने मीडिया के भाई, आपके मैसेज लेके जाएंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं राकेश मेहरा जी का कि जो ये बिलीव रखते हैं, प्यार करते हैं, आवाज़ को पसंद करते हैं. तो काफ़ी सालों से, 5-6 सालों से बहुत ही आराम से बैठा हुआ था, अपने शोज़ कर रहा था, म्यूज़िक काम करता हूँ, सालों साल बिज़ी हैं. पर फिल्मों में आप खुद ही जानते हैं, कोई गाना नहीं आ रहा था, ना ही मैं गा पा रहा था, क्योंकि जिस तरीके का माहौल चल रहा था उससे मुझे कुछ समझ नहीं आती थी कि किस तरीके का ये दौर शुरू हो गया है, कैसे गाने शुरू हो गए हैं. तो जब मुझे बुलाया गया मिर्ज़ा के लिए, और मैं मुंबई आया, और मुंबई आकर स्टूडियो में शंकर एहसान लोय साहब, गुलजार साहब सब बैठे हुए थे, और पहुंचा जी, हाँ जी मुझे क्या गाना है. तो मुझे शंकर जी ने कहा कि आपने स्टोरी को, ये एक हो रही है और आपने स्टोरी लाहौरों की बस्ती है, इस तरह आपने बताना है स्टोरी को. तो मैं 15-20 मिनट बहुत ही सोच में पड़ गया कि मैं किस तरह बोलूं, क्योंकि मेरी आवाज़ जो है वो गाने गाने के लिए तो है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं है जैसे ओम पुरी साहब, गुलजार साहब की आवाज़ है. लगता है कि फरिश्ते बोल रहे हैं, बहुत कमाल. तो मुझे लगा कि मैं नहीं बोल पाऊँगा. और फिर मैं सोचा कि अब थोड़ी देर और बिताया, तो इन्होंने कहा कि अच्छा, ये आप फिर साईं जहूर जी की बहुत बहुत अच्छी आवाज़ जो शुरुआत वो करते हैं मिर्ज़िया में, बहुत बहुत सूफ़ी फ़कीर हैं, बहुत अच्छा नाम है उनका सूफ़ी में, तो उनकी आवाज़ सुनाई. फिर कहा कि इसमें आप ये 2 लाइनें ऐसे ऐसे आप गा दीजिए, वादियाँ दूदियाँ कोहरे की. तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी. तब मैंने रिदम वगैरह बिल्कुल नहीं सुनी थी कि कैसी रिदम है, क्या है, और वो मैंने गाना गाया. फिर जब मैं वहाँ से निकलने लगा तो मुझे लगा, मेरे दिल से एक आवाज़ आई कि मिर्ज़ा अगर हो तो वो कैसा हो, कैसी उसकी पहचान कैसी होनी चाहिए, किस तरह उसे बुलाया जा सकता है. तो मैंने फिर गुजारिश की गुलजार साहब को, राकेश जी को, शंकर जी को, कि मैं एक लाइन मिर्ज़ा साहब और गाना चाहता हूँ, तो अगर आप बोलें तो बहुत बड़ी दरिया दिली है, क्योंकि इतने बड़े कलाकार हैं, उनके सामने कुछ कहना बहुत छोटी बात हो जाती है. और निका जी, ठीक है, आप कीजिए. तब रब जानता है कि मुझे लगता है कि ये हर्षवर्धन जी, श्यामी जी, इनकी तकदीरों की वजह से ये सारे हम लोग जुड़े हैं, और इनकी तकदीरों की वजह से एक इतना बड़ा काम है. क्योंकि मिर्ज़ा साहिबा जी, मिर्ज़ा साहिबा बहुत छोटा सा टॉपिक नहीं है, बहुत हम भी बचपन से सुनते आए हैं यहाँ पे आप सब ने, लेकिन इसे बोलना, इसे कहना और इसे गाना अगर रब की मेहर हो तभी हो सकता है. कि ये बहुत बड़े और सच्चे आशिक हुए हैं, हीर रांझा, सोनी माहिवाल, तो इनके ऊपर गाना. तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आप गाइए. तो फिर एक ही बार में माइक के सामने मैं खड़ा हुआ, और जो मेरे दिल से आवाज आई बिना सोचे समझे, ओ मिर्ज़ा, और उस चीज को 4 चांद लगा दिए शंकर एहसान जी की टीम ने, गुलजार साहब के बोल हैं, राकेश जी के. तो मैंने तो बहुत एक ही लाइन छोटी सी गाने की कोशिश की, और रब ने गवाई. फिर मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इनकी वजह से आज जो म्यूज़िक इंडस्ट्री का जो एक रुख है, दौर है, म्यूज़िक इंडस्ट्री का म्यूज़िक है, वो मिर्ज़ा की वजह से बिल्कुल चेंज हो गया, और बहुत साफ़ सुथरा और खूबसूरत प्योर इंडियन, ये जो गाना आप सुनेंगे ये प्योर इंडियन म्यूज़िक है. ये जो गाना पूरा चल रहा है,
इसमें कहीं भी आपको वेस्टर्न या कहीं से यहाँ से म्यूजिक चुराया वहाँ से चुराया बिल्कुल नहीं, एक इंडिया की रूह है, प्योर प्योर इंडिया का म्यूजिक है और पहला म्यूजिक है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका और मीडिया का भी और जितने भी फैंस हैं जिन्होंने सर आंखों पे बैठा लिया, और हम चाहेंगे कि इसी तरह आप इन दोनों स्टारों को हमें हम सबको ब्लेसिंग दीजिए कि और इसी तरह अच्छे अच्छे काम करते रहें। शुक्रिया, थैंक यू। माय फेवरेट मैन, ऑलराइट, थैंक यू।